कबीर साहब कह रहे हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में, जाग सके तो जाग। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कबीर साहब, देखते हैं उसको, समझते हैं हम। तो जैसा कि हर इंसान होता है, इंसान की आदत क्या है, इंसान की जो वृत्ति है वो क्या है, कि जो चीज उसके जितने करीब होगी, जितने पास होगी, वो उसे उतना दूर जाकर ढूंढता है। वो सब चीजें जो हम बाहर खोजते हैं, वो खोजते हैं किसी संतुष्टि के लिए, मन के किसी शांति के लिए, और वो हमारे पास होती है, लेकिन हम उसे ढूंढने जाते हैं बाहर की किसी वस्तु में। कोई व्यक्ति उसे ढूंढता है कि शादी कर लेते हैं, विवाह करके शायद वो मिले, तब भी नहीं मिलता है तो बच्चे पैदा करके वो उस सुकून को पाना चाहता है, लेकिन हर बार धोखे खाता है। कभी सोचता है कुछ नौकरी या कुछ धंधा कर लेने से वो मिल जाएगा, लेकिन जब तक नौकरी या धंधा नहीं होता है, तब तक उसे पाने के लिए बेचैन होता है, और जब मिल जाता है तब उसी से परेशान होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता जिसकी चाहत उसे गहराई से है। ये पैसा और ये सारी चीजें तो ऊपरी चीजें हैं, क्योंकि पैसा भी अंततः तुम चाहते क्यों, ताकि तुम कुछ खरीद सको, कुछ महल बना सको, गाड़ी खरीद सको। और महल और गाड़ी भी क्यों चाहते हो, ताकि शान और शोहरत ये सारी मिल सके तुम्हें। और वो सब भी क्यों चाहते हो, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम बेचैन हो। तो हम वो चीज जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसे हम खोजने निकल जाते हैं बाहर दुनिया में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी पत्थरों में, कभी पहाड़ों में, कभी पेड़ों में। तो कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से हमें कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुमसे दूर क्या, तुम्हारे पास भी नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे करीब वही है। उसके होने से तुम हो, अगर वो नहीं है तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं, कोई हस्ती नहीं। मान लो एक बहुत लंबा चौड़ा एक गड्ढा है, बहुत लंबा चौड़ा, मान लो 5-7 एकड़ का, उसमें पानी नहीं है, तो तुम उसे ये कहोगे कि वो तालाब है। लेकिन थोड़ी दूर उतना ही बड़ा एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, तालाब। तो उस पानी के होने से ही तो उसकी पहचान है ना, वरना तो वो तालाब रहा ही नहीं। एक व्यक्ति अगर विद्यालय में पढ़ाता नहीं है तो हम उसे आम इंसान ही कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर पढ़ाने लग जाता है तो हम उसे शिक्षक कह देते हैं। तो उसकी पहचान किससे जुड़ी है, उसके ज्ञान से, वो जो शिक्षा दे रहा है। तो कबीर साहब ये दोहा जो कह रहे हैं कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार तिल के अंदर ही तेल होता है, तिल के अंदर ही तेल होता है, उसी प्रकार वो परमात्मा भी तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ है, तुम उसे बाहर क्यों खोज रहे हो। जरा अपने जीवन को तो देखो, बाहर देख देख कर क्या होगा, खुद को समझो, जरा ठहरो, खुद पर ध्यान दो, खुद के जीवन को गौर से देखने की कोशिश तो करो, कहीं वो जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही पास तो नहीं। वो कह रहे हैं जो चकमक में आग, चकमक क्या है, चकमक एक पत्थर है जिसको घिसने पर उसमें से आग उत्पन्न होती है। तो वो कह रहे हैं कि आग चकमक के अंदर ही है, बस उसे ज्ञान नहीं उस बात का। तो चकमक का जो पत्थर है, तिल जो तिल होते है, जिसे हम तिल्ली बोलते हैं, जिसमें तेल होता है, तेल तो उसके अंदर ही है, पर उसे उसका पता नहीं है। उससे ये कौन बताए कि वो सब तेरे ही अंदर है। तो यहां से एक और फिर बात होती है कि गुरु का महत्व बढ़ जाता है, उसको भी हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि तिल, तो क्या तिल तुम जब हाथ में उठाओगे तो क्या वो तेल है, नहीं है ना। तिल में से तेल निकल सके, उसके लिए उसे कई विधियों से, कई प्रकारों से, कई परिश्रम से गुजरना होता है, खुद के ऊपर काम करना होता है। पत्थर दो हैं, एक पत्थर है चकमक का, दूसरा भी चकमक का है, दोनों साथ साथ भी पड़े हैं, चाहे वो जीवन भर साथ रहें,
लेकिन क्या वो अपने आप आग उत्पन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आग तो पत्थर के अंदर ही है, तेल तिल के अंदर ही है, लेकिन क्या वो अपने आप आग उत्पन्न कर पाएंगे? अपने आप उसमें से तेल निकल आएगा? नहीं निकल आएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है वो तो तुम्हारे पास ही है, तुमसे बाहर नहीं है, तुम्हारे हर रोम में है, समाया हुआ है। तिल के छोटे से कण में भी तेल है और पूरे तिल के एक ढेर में भी तेल है। चकमक के एक पत्थर में भी आग है और हजारों पत्थरों में भी आग है। लेकिन वो जब तक उसे जानेगा नहीं तो वो किसी काम के नहीं, उसके ना ही संसार के काम आएगा। तो ये जो दो पत्थर हैं, ठीक है, इनमें से एक है गुरु और एक है वो व्यक्ति जिसे हम शिष्य कह सकते हैं। तो शिष्य अकेला एक पत्थर, सॉरी मैंने दो पत्थर बोला था कि साथ पड़े रहेंगे तो आग उत्पन्न नहीं होगी। एक समझो उसको कि एक अगर हमेशा पड़ा रहे तो आग उसके अंदर है किंतु वो आग उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला कैसे आग उत्पन्न करेगा? कोई चाहिए भी तो जो उसे रगड़ सके, जो उसे घिस सके, जो इसके ऊपर जो परतें उसने चढ़ा रखी अज्ञान की, अंधकार की, माया की, मोह काम क्रोध लोभ इन सब की जो परतें उसके ऊपर है उसे हटा सके, इसके लिए कोई चाहिए ना बाहर वाला। तो जो एक पत्थर है आग उसके अंदर है, लेकिन वो जीवन भर भी अगर हजारों लाखों वर्षों तक भी पड़ा रहेगा तो आग उससे उत्पन्न नहीं होगी। तो इसके लिए फिर जरूरत होती है गुरु की। तो जब हम देखते हैं पीछे मुड़कर कि जो ऋषि हुए, संत हुए, साधु हुए और जितने भी महापुरुष हुए, तो बहुत ऐसे हुए हैं जो कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी गलत नहीं है। बहुत हुए हैं जो ये कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, कबीर साहब खुद ऐसा कहते हैं। तो जो ऐसा कह रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है वो गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें कोई बाहर से लाकर नहीं देगा, वो है तुम्हारे ही पास, तुम्हारे ही करीब। तो तुम उसे बाहर अगर ढूंढ रहे हो कहीं और पर कि कहीं और से मिल जाएगा, कोई गुरु तुम्हें लाकर दे देगा, कोई मंदिर में जाकर वहां तुम्हें मिल जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि वो है तुम्हारे पास ही, उसे बाहर मत खोजो। और जो कह रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता होती है, तो वो यही कह रहे हैं कि पत्थर अगर अकेला पड़ा है, शिष्य अगर अकेला है, भले ही उसमें आग है पर उसे पता ही नहीं, तो वो कैसे उस आग को जला सकेगा, कैसे रोशन हो सकेगा, कैसे दुनिया को प्रकाश दे सकेगा? तो उस पत्थर को घिस सके जो दूसरा पत्थर, वो चाहिए, वो दूसरा पत्थर है गुरु। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य की जो अंधकार की अज्ञान की परतें होती हैं उसे वो एक एक करके हटाता है, तब जाकर वो जानता है कि उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो बाहर सुख खोजता है, सुख और आनंद, सुख तो छोड़ो आनंद उसके पास है, क्योंकि सुख है तो दुख भी है। वो कह रहा है तो बाहर सुख दुख छोड़ना बंद कर, आनंद तेरे अंदर है तो उसे बाहर मत खोज। वो प्रेम खोजने जाता है बाहर, वो कहता है प्रेम तेरे पास ही है, तो एक बार जान। तो शांति बाहर नहीं मिलेगी, कुछ पाकर, बाहर से कुछ पाकर नहीं मिलेगी, शांति स्वरूप तेरे अंदर ही है, तो उसे जान। संसार तुझे कुछ नहीं दे सकेगा, इस संसार में कुछ नहीं है जो पाने लायक है, जो तुझे चाहिए वो तेरे ही पास है, तो उसे बाहर मत खोज, व्यर्थ इस दुनिया में मत बंद। तो ये सब कौन बताएगा? ये सब गुरु बताएगा। तो इसलिए बहुत जो संत हुए, साधु हुए, उन्होंने कहा कि गुरु की आवश्यकता होती है। और फिर ये जो गुरु की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, गुरु के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर ये निर्भर करता है कि उन्होंने किस समय, किन लोगों से, किस स्थिति पर वो बात कही है। क्योंकि कई समय ऐसे हुए हैं जिन समय पर बहुत ही पाखंड बढ़ गया है, गुरुओं के नाम पर ढोंगी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पाखंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इन लोगों को जो सच्चे होते हैं, जो वास्तव में दुनिया के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम देखें कि बुद्ध भी जब जाते थे
तो वो भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने जानदार कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि परखो, सही गुरु के पास जाओ, ऐसे हर किसी को नहीं बना लो। क्योंकि पहले तो वो भी तो गए थे ना अनेकों गुरुओं के पास, उसके बाद ही बहुत कुछ उन्होंने जाना, उसके बाद जो थोड़ा बहुत अंतिम बचा था वहां वो खुद गए। क्योंकि अंत जो है, अंतिम जो है, वो तो तुम्हें अपने से ही मिलेगा। गुरु तुम्हें एक ऊंचाई दे सकता है, उसके बाद तुम्हें गुरु से भी अलग होना पड़ता है। क्योंकि गुरु से भी अगर तुम मुक्त नहीं हुए तो मुक्ति कैसी? बंधन तो रहेगा ना, चाहे वो गुरु के नाम का बंधन हो या दुनिया का किसी और चीज का बंधन हो। तो एक समय आएगा जहां तुम्हें गुरु से भी मुक्त होना पड़ेगा, तो वहां तक गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बाद आगे की यात्रा तुम्हें ही करनी होती है। ऐसे ही जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए, वो भी कहा करते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। ओशो हुए, वो गुरु की महिमा की बात करते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान तो होगा ही नहीं। कबीर साहब गुरु की बात करते हैं, मीराबाई गुरु की बात करती है, तो ऐसे बहुत हुए। पर वो निर्भर करता है कि किस समय उन्होंने बात कही, किनसे वो बात कही और क्यों वो कही। पर एक साधारण इंसान की अगर बात करें तो उसे गुरु की आवश्यकता होती है, पर उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो सही गुरु की पहचान कर सके। क्योंकि अगर आप गलत गुरु के पास चले गए तो वहां और ज्यादा बर्बादी होगी जीवन की। तो या तो सही गुरु को पहचानो, उनके पास जाओ जो तुम्हारे बंधनों को काट सके, जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई दे सके, और अगर ऐसा ना मिले तो खुद अपनी यात्रा शुरू करो और आगे बढ़ते रहो। कहीं ना कहीं कोई मिल भी जाएगा, और नहीं मिला तो आगे बढ़ते रहो। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं कि तिल में ही तेल है, चकमक में ही आग, तो तुम ये मत समझ लेना कि उसके अंदर कोई बैठा है। क्योंकि जब हमसे कहा जाता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे एक मटके के अंदर पानी होता है, एक प्लेट के अंदर, एक डिब्बे के अंदर कुछ हम सामान रख देते, उस तरह से हमारे अंदर कोई बैठा है। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप चकमक के पत्थर को अगर तोड़ दोगे तो क्या उसके अंदर से आग निकलेगी कि कुछ बैठी थी अंदर? क्या तिल के अंदर उसके दो टुकड़े करोगे तो उसमें इसके तेल झरने लगेगा? नहीं ना। चकमक के पत्थर के अंदर आग है, वो घिसने से उत्पन्न हो रही है ना। तो आग कहाँ है? उसका कण कण में आग है। दूध के हर बूंद में, चाहे वो किसी गिलास में रखा हो दूध, किसी बड़े डिब्बे में रखा हो, या जमीन पर गिरी हुई उस मिट्टी में वो धूल दूध की बूंद हो, हर बूंद में क्या है? मक्खन भी है, घी भी है। तो तुम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि दूध में घी, दूध के अंदर घी है तो दूध जो हमने भर के रखा है बहुत सारा, उसके बीचों बीच कहीं पे घी रखा होगा, ऐसा नहीं है ना। हर कण में, हर उसकी बूंद में दही और मक्खन और घी सब है। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारे रोम रोम में समाया हुआ है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो परमात्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो देखा नहीं जा सकता। आंखों से तुम उसे देख नहीं सकते, कानों से तुम उसे सुन नहीं सकते, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। वो अनंत है। जो अनंत है, कैसे हम सीमित होकर उसको देख पाएंगे? तो वो जो है, जो हम पाना चाहते हैं, जिसे हम मुक्ति कह दो, हम कभी उसे शांति कह देते हैं, कभी संतुष्टि कह देते हैं, कभी परमात्मा कह देते हैं, कभी सत्य कह देते हैं, कभी आत्मा कह देते हैं, ये सब एक ही है। और ये सब क्या है? ये सब है कि हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं, हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हम इनसे मुक्त हो सकें और एक आनंदपूर्ण जीवन जी सकें। तो ऐसा जीवन जीने के लिए हम इतने जो तामझाम दुनिया में करते हैं, न जाने किन किन से रिश्ते संबंध बनाते हैं, न जाने क्या क्या चीजें हम इकट्ठे करते रहते हैं, ये सब क्यों करते हैं? हमारे मन की संतुष्टि के लिए। तो वो संतुष्टि हमें मिले तो वो कहीं बाहर से कुछ पाकर नहीं मिलेगी। यही कबीर साहब हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास ही है। उसे ही परमात्मा कहते हैं, उसे ही शांति और संतुष्टि कहते हैं। तो जिस प्रकार तिल के अंदर ही तेल होता है, चकमक के अंदर ही आग होती है, उसी प्रकार वो जो परमात्मा है, वो जो आत्मा है, वो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। हमारी आंखें नश्वर हैं, ये कभी भी मिट सकती है, लेकिन आंखों के पीछे
जो बैठा है, जिसकी शक्ति के कारण हम देख पा रहे हैं, वो वही है। कान अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन कान के पीछे जो बैठा हुआ है, पर्दे के पीछे, जिसकी वजह से हम सुन पा रहे हैं, वो वही परमात्मा है। उसी की शक्ति के कारण हम सुन पा रहे हैं। मूरत तो पत्थर की भी होती है, वो सुन पाती है क्या? नहीं सुन पाती, ना वो सुन पाती है, ना देख पाती है, ना कुछ क्रियाएं कर पाती है। लेकिन हम में कुछ है ना, जिसके कारण हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और जो कहा जाए हम उसे समझ पाते हैं। एक कैमरा भी होगा तो वो हमारी बात को रिकॉर्ड कर सकता है, हमारे आसपास के माहौल को, हमारे चेहरे को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसके बारे में कुछ वर्णन तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें समझ नहीं है। समझ जो होती है वो शक्ति हमारे पास है। तो हमारी जो समझ, जो हमारी बोध है, हमारी जो जागरूकता है, यही वो है। इसी के कारण हम उचित अनुचित का भेद कर पाते हैं। इसी के कारण हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी का भेद कर पाते हैं। तो ये जो बोध स्वरूप है, ये जो बोध की शक्ति है, ये जो समझ की शक्ति हमारे पास है, इसको तुम वही कह सकते हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें बोध होगा, तुम्हें समझ होगी, तुम जागरूक रहोगे, तो तुम ऐसा कुछ चुनाव ही नहीं करोगे, ऐसा कोई कर्म ही नहीं करोगे जो तुम्हें और बंधनों में बांधे। इसी को होश में जीना कह सकते हैं। इसलिए जागरूकता के साथ अपने जीवन को देखो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके खातिर कर रहे हो, क्या ऐसा करके किसी ने कुछ पाया, क्या जो तुम पाने की कोशिश कर रहे हो उसे पाकर किसी को संतुष्टि मिली? अगर नहीं मिली तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद के जीवन को देखो। तुम सालों परेशान होते हो किसी चीज को पाने के लिए, और फिर तुम्हें पता चलता है कि इससे तो वो मिला ही नहीं जो पाना चाहा था। कुछ क्षण की, कुछ दिनों की खुशी तुम्हारे मन में झलकती है ऊपरी तौर पर, और फिर बाद में वापस वही बेचैन और अशांत जीवन हो जाता है। तो अगर ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, ये जीवन का अमूल्य समय बर्बाद ना हो, तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले, जरा उस पर विचार तो करो, जागरूक होकर, समझ के आधार पर, कि वो जो मैं पाना चाहता हूँ वो कहीं मेरे पास ही तो नहीं। क्योंकि तुम गाड़ी पाना चाहोगे, पर गाड़ी ही नहीं पाना चाहोगे, गाड़ी के माध्यम से कुछ और पाना चाह रहे हो, और जो कुछ पाना चाह रहे हो उसके माध्यम से कुछ और अंततः तुम पाना चाहते हो संतुष्टि, तुम्हारे मन को शांति मिले, तो वो शांति बाहर नहीं मिलेगी। तो वो जो साईं है, वो जो परमात्मा है, वो हम में ही है, हम में ही बसा हुआ है। उसी के कारण हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जीभ थोड़ी ना बोलती है, जीभ को शक्ति किससे मिल रही है? वो उसी से मिल रही है। कौन है तुम्हारे अंदर जो समझ पा रहा है इस बात को? वही तो है जो समझ रहा है, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पास ही है। नहीं तो तुम कैसे समझ पाते, कैसे जान पाते? पत्थर में आग तो है, लेकिन तुम उसे कहते रहो हजारों सालों तक कि तेरे अंदर आग है, फिर भी वो अपने आप दो पत्थर उठकर घिसने नहीं लगेंगे, वो आग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। हम बाहर से उस पर बल लगाएंगे, क्योंकि उनमें वो बोध की शक्ति नहीं है जो तुम में है। तुम्हें मिली है, तुम्हें चेतना मिली है, समझने की शक्ति, कॉन्शियसनेस। तो उसका उपयोग करो, उसे जानो, उसे बाहर मत ढूंढो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग।